अपने पापा पे गर्व हो रहा है क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे और वो भी देश के लिए मरे। मैं ऐसे बनना चाहती थी, आईआईटी ज्वाइन करना चाहती थी, दिल्ली आईआईटी, लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा। जौरा बहुत ही सीधा और बहुत मेहनती लड़का था, बचपन से खेल में उसका बहुत रुचि था और मेहनत के उपरांत वो इस मुकाम तक पहुंचा था और उसका लक्ष्य था देश सेवा करना। काल चाहने जे शहीद झालेला जवान हे आमचे नंदगाव खंडेश्वर इथला आहे आणि त्याचं नाव पंजाब जानरावजी मुके। हा मुलगा एकदम चांगला आणि सरळ स्वभावाचा होता आणि सर्वांना मिळमिसळून चालणारा मुलगा होता। ঘটনা যে কি আর বলবো, জিনিসটা এইরকম হয়ে গেছে, জানেন তাদের প্রতিবাদ আছে, সেটাই জানি। আমার আমার কী করে চলবে আমি সেটাই নিয়ে চিন্তা করি। এখন যে আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি আর খাটতে পারিনি, ওর ইনকামই চলত, এইটাই আমি জানি। चाहती हूँ कि जैसे उन लोग कर रहे हैं तो उन लोग ईट, मतलब कि ईट का जवाब पत्थर से उन्हें देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सिर्फ स्टेटमेंटों तक महदूद ना रहे, पाकिस्तान के साथ हर तरीके का रिश्ता, चाहे वो व्यापार का है, चाहे वो बातचीत का है, टोटल बंद किया जाए और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो है सही मायनों में समय आ गया है। আমি যে সবাইকে ধরে উচিত শিক্ষা দেওয়া হোক। তুমি কি বড় হয়ে দাদার মতো সেনাবাহিনীতে কাজ করতে চাও? না, সেনাবাহিনীতে করব না।